चरण सिंह से बड़े से पहले बुंदेली खंड पूजा अर्चन भी हो चुका है और आज कार्यक्रम की तृतीय का तीसरा चौथा दिन है और इस पावन मेला में मैं कार्यकर्ता बंधु जो सेवक है वो सभी बंधुओं से मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि जो भी आए उनको बैठाते जाएं और जो भी स्वयं जो आने वाले जो भक्त हैं उनकी पहचान इस स्थान में इसी की है। ये तीर्थ स्थल बनने की स्थिति में है, सभी का मंतव्य है, सभी का आशीर्वाद है, हम सभी की पुण्य पुण्य अर्जन है। अतः बिना कहे हुए अपने स्थान में अपना अनुशासन का परिचय देते हुए अपनी श्रद्धा समर्पित करें। यही श्री महावीर मंदिर समिति आपसे कोर से अभिनंदन करती है और आपकी सेवा इसी में कहलाएगी कि आप बैठें और आनंद पूर्वक बैठ करके और संत के साथ सलाह करें, कथा का लाभ अर्जन करें। और जो हमारे पानी पिलाने वाले सेवादार भक्त हैं, आज थोड़ा सा देखते हुए समय को, आज विवाह उत्सव है, किसी को अप्रसन्न होकर नाराज होकर के यहीं नहीं जाना, क्योंकि मर्यादा भूतन प्रोग्राम का विवाह है, इसलिए पानी से स्वागत करते ही रहेंगे, जल पिलाने वाले सतर्क रहेंगे, कोई भी किसी को उठकर जाना ना पड़े, क्योंकि जल भर नहीं आपको तो जल पिलाना है। जैसे ही बारात आएगी तुरंत स्वागत होगा, आपको स्वागत के लिए तुरंत मालूम है, आपको तुरंत अजय इनकी तरफ से भी मिठाई दीपक प्रसाद साहू की तरफ से, जैसी बारात आएगी उनको शरबत पिलाया जाएगा उनकी तरफ से। देखिए चतुर्वेदी जी और संध्या जी की तरफ, श्रीमती संध्या चतुर्वेदी उनके सौजन्य से भी प्रसाद, बड़े प्रभावित होकर विवाह उत्सव में सामग्री आ रही है, जो भी सामग्री लाने चाहेंगे उनका स्वागत रहेगा। और जब बीच में विवाह शुरू होगा और जिस समय आप जो है ना आशीर्वाद लेने आएंगे साक्षात प्रभु के, उस समय जिससे जो बने पैसे से कुछ अन्नदान फूल दान और इसी प्रकार अपनी सेवा दान चरण स्पर्श द्रव्य दान सोने का दान गोदान जिसको जो दान करना हो कर सकते हैं, सभी का स्वागत रहेगा। ऐसा कार्यक्रम आपके सामने होने जा रहा है, इसी श्रृंखला में स्वागत वाले पुनः सतर्क और बड़ी प्रसन्नता का अवसर है, ये पुण्यों से प्राप्त हुआ है। ऐसे पावन बाड़ी में सर्वप्रथम मैं श्रीमती जो इस राम कथा से देवी जी का स्वागत करें, शीघ्र शीघ्र स्वागत की बेला में बहुत जल्दी प्रयास करूंगा, समय ना लगे इसके लिए तुरंत श्रीमती अनसुईया जी भी आकर के और सम्मान करें और श्रीमती आरती पटवा जो छिंदवाड़ा से पधारी हुई है वो भी शीघ्र शीघ्र जल्दी जल्दी आकर के देवी जी का सम्मान करें। श्रीमती आरती पटवा छिंदवाड़ा, श्रीमती सरोज खंडेलवाल जिनका नाम तो करता जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी आए और आकर के सम्मान करें और हम पुनः स्वागत करते हैं खंडेलवाल परिवार का, जिनको यजमान बनने का राम कथा के यजमान बनने का अवसर मिला, उनका विशेष सहयोग के कारण आज इस कार्यक्रम के यजमान हैं। आइए स्वागत करें और इसी श्रृंखला में श्रीमती स्मिता पटवा जो औरंगाबाद से आई हुई है, औरंगाबाद से श्रीमती स्मिता पटवा आप भी आकर के स्वागत करें और इसी बीच में हमारे बीच में पधारे हुए श्रीमान विपद साहू जी, प्रतिष्ठित नागरिक श्री विपद साहू जी उमरेड, श्री विपद साहू जी भी आए और विपद साहू जी आकर के देवी जी का सम्मान करें। श्री विपद साहू, श्री भीषम पवार जी गोड़ी हेटी, श्री भीषम पवार जी गोड़ी हेटी शीघ्रा सिंह जिनका नाम पुकारे आए और पूजनीय देवी जी का स्वागत करें और इसी श्रृंखला में हमारे बीच में श्री बाबूलाल पवार जिनके सौजन्य से कलश स्थापित होना है राम मंदिर का, वो भी आए और देवी जी का पुष्पहार से स्वागत करें। श्री ईश्वर प्रसाद साहू जो यहाँ के भक्त हैं, श्री ईश्वरी प्रसाद साहू जैसे भी आए और आज देवी जी का स्वागत करें। इसी श्रृंखला में श्री अतुल जैन जिनकी तरफ से विशेष इनका बड़ी श्रद्धा है अतुल जैन जी की और अतुल जैन जी कृपया श्रद्धा सुमन उन्होंने लड्डू अर्पित किया और बहुत बड़ी उनका सहयोग भक्त है वो, इसलिए अतुल जैन भी आकर के सम्मान कर रहे हैं देवी जी का। और इसी बीच में
श्रीमती संध्या चतुर्वेदी, श्रीमती संध्या चतुर्वेदी भी आए और देवी जी का सम्मान करें। और श्रीमती कमला सिंह, श्रीमती कमला सिंह भी आए और देवी जी का सम्मान करें। श्रीमती सुनीला शर्मा मैडम आप भी आए, शिवराज सिंह के नाम पुकारो, देवी जी का स्वागत करें। श्रीमती शिवानी पटवा चांदा बेटा, श्रीमती शिवानी पटवा चांदा बेटा आप भी आकर के देवी जी का बाहर से स्वागत करें, बिना कहे बहुत चिंता करें। और स्वागत भी जरूरी है, समय का ध्यान भी जरूरी है। हम प्रयास करें जितना जल्दी श्री बसंत पटवा चांदा बेटा, श्री बसंत पटवा चांदा बेटा आप शिवराज सिंह आए और देवी जी का स्वागत करें। श्री बसंत पटवा, श्री बसंत पटवा है और आदरणीय डॉक्टर साहब का, डॉक्टर साहब का स्वागत करें, डॉक्टर साहब का पुष्पहार से स्वागत करें। और श्री भोजराज सोनी, श्री भोजराज सोनी उमरे आप भी आए और हमारे विशेष वायलिन वादक श्री चरण सिंह का स्वागत करें, श्री चरण सिंह जी का स्वागत करें। और श्रीमती रामकली साहू जो स्वयं बड़ी श्रद्धा के साथ माला बनाकर स्वयं लाई है अपने घर से स्वागत के लिए माला बनाकर लाई हुई है। और हम उनसे अनुरोध करते हैं शीघ्र से आकर के और देवी जी का स्वयं उनकी श्रद्धा अतर श्रद्धा से माला बनाकर लाई। और हमारे थाना से श्री रामलाल पवार जी जो यजमान भी है, श्री रामलाल पवार थाना से, वो भी आकर के अपनी श्रद्धा से माला करें, रामलाल पवार जी थाना। और श्री माधोर सेला जो हमारे फोटोग्राफर है, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि आप भी देवी जी का सम्मान करें, देवी फोटोग्राफर माधोर सेला जी, ताकि ऐसे कम से कम पुरस्कार में और उनका आशीर्वाद मिले, आप अपने काम में अच्छा कर सके और हमें अच्छी सीढ़ी बना कर दे इस सम्मान के साथ। और इसी प्रकार में हमारे भिंडौरा से पधारे जो कभी चूकते नहीं, इतनी उनकी अटूट श्रद्धा है देवी जी के प्रति, श्री संपत पवार जी, श्री संपत पवार जी जिनकी अटूट श्रद्धा है वो भी आए और श्रद्धा समाज अर्पित करें। और इसी बीच में हमारे पूर्व संपन्न श्री सुखनंदन पवार जी भी आए और देवी जी का पुष्पहार से स्वागत करें। इसी बीच में हमारे कृपाराम पवार जी सचराम, श्री कृपाराम जसवंत जी, कृपाराम जी कृपाराम, श्री कृपाराम जसवंत जी जी कृपया आप जाकर के और देवी जी का सम्मान करें। श्री कृपाराम जी कृपया आप आए और आकर के हमारे तबला वादक हमारे बीच में पत्रकार महोदय उपस्थित है, श्री कालिंद कोली जी, हम आपसे निवेदन करते हैं कि देवी जी का आदरणीय तारेण जी पहुंच रहे हैं, स्वागत करिए पत्रकार महोदय और हम उनका स्वागत करते हैं। और हाँ, और श्री कुमार, श्री कुमार जाए और हमारे अशोक जैन तबला वादक का स्वागत करें, श्री अशोक जैन तबला वादक का स्वागत करें। और बड़ी भूमिका है, उनका बड़ा रोल है और उन्होंने हर तरह से दक्ष है और आपका स्वागत करने का आप भी आए देवी जी का करें। श्री राजकुमारी सोनी, श्री राजकुमारी सोनी से मैं निवेदन करता हूँ आप भी देवी जी का स्वागत करें। नर्तकी समस्त देवी
देवताओं की चित्रकूट धाम की श्री हनुमंतलाल की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष व सदस्य जयति जारमण मकरंद सृजक भानुवंश भूषण श्री चित्रकूट बिहारी व बिहारी जो के पावन चरण कमलों में सब कोटि कोटि नमन। प्रभु के चरणों की अनन अनुरागी अनन रशिया
अंगिना रत्न प्रबंधन मित्र अवतार संत हनुमंत लाल जी महाराज चित्रकूट की पावन धरती से पधारे। समस्त आचार्यगण विप्रगणों का वंदनवा वंदन करते हुए पदाधिकारीगण जो अपना काम धाम सब कुछ त्याग करके हनुमंत लाल के चरणों में अपने जीवन को समर्पण करके सब कुछ त्याग करके दिन रात एक एक पंक्तियों पर मनन करते हुए अपने विचारों को व्यक्त करते हुए जनता के मनस में राम कथा की मंदाकिनी का जो प्रभाव करा रहे हैं अपने पत्रिका के माध्यम से ऐसे परम सम्मानी परम सदे भैया तरत सोनी जी जो पूर्व सरपंच भी हैं और आप उनसे चिरपरिचित हैं, आपकी इस पावन कुंडल की धरती से ही हैं, आए तत्व से पधारे। समस्त महिमा मंडित गर्मा मंडित भक्तजन जिनसे ये प्रांगण गौरवित हो रहा है, आज जनकपुर और अवधपुर बना हुआ है, सीतापुर से यमराजा के चरित्र को चरितार्थ करने वाली अर्चनीय वंदनीय हमारी भारतीय मां शक्ति जो तबला बैंड साउंड समस्त गुणों में संपन्न है, कलाओं की पराकाष्ठा में गुण हर गुण उनमें कूट कूट करके भरा हुआ है, ऐसे परम सम्मानीय भैया उषाण पर संगत कर रहे हैं। आए सभी भक्तजन पहले मन वाणी को पवित्र करने के लिए हर नाम संकीर्तन करेंगे, फिर समय को देखते हुए क्योंकि आज ठाकुर जी का विवाह है और विवाह में थोड़ा विलंब होता, पहले तो जब राम जी की बारात आई थी तो महीनों पड़ी रही और आजकल तो एक दिन बारात रोकना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि पहले विवाह हुआ करते थे जो लड़की वालों के मुख से और लड़की वालों के भी हृदय से वाह वाह निकले उसे विवाह कहते थे, अब बंधु विवाह नहीं हो रहे हैं, विवाह वो होता है जो एक दूसरे के हृदय से हृदय मिलते हैं, बल्कि आज विवाह नहीं बल्कि ऐसे विवाह हो रहे हैं कि लड़की के पिता के मुख से वह वह नहीं बल्कि हाय हाय निकलती है आज के लड़के वालों के कारण, क्योंकि इस दहेज रूपी दानव ने इतना आतंक फैला दिया है कि वह वह नहीं बल्कि हाय हाय निकल जाती है। लेकिन ये ठाकुर जी का विवाह है और इस ठाकुर जी के विवाह में समय का थोड़ा एक फिर हो जाए थोड़ा विलंब हो जाए तो आप लोग ज्यादा जल्दी मत मचाना, अगर जल्दी चले गए और फिर आपको किसी भी प्रकार के स्वागत सम्मान में कमी हो गई तो फिर जाकर अवधपुर ये मत करना, जो अवधपुर से बराती आए हैं महाराज जनक की सेवा में किसी प्रकार की कोई कमी हो जाए खान पान में तो घर जाकर के ये मत कहना कि महाराज जनक ने स्वागत सम्मान नहीं किया है। अरे बंधु सभी भक्तगण पहले हरिनाम लेंगे फिर अपनी बारे को कृतार्थ करने के लिए मैं पुनः भगवती से प्रार्थना करूंगी, हेमा मेरी टूटी फूटी वाणी से जो आपकी सेवा होगी मैं पुनः आपकी सेवा करूंगी, आए माताएं भी और भैया भी।
अगर तालियों के साथ संगीतन नहीं करेंगे तो फिर ये लड्डू रख के खाने के लिए नहीं मिलेंगे ना। अगर लड्डू चाहते हैं ना सभी लोग तो तालियां बजा करके, और बहुत से लोग तो क्या करते हैं, जैसे आज ये वीडियो कैमरा चल रहा है, कैसेट बन रही है, तो जो माताएं और जो भैया कभी संगीतन में ताली नहीं बजाते हैं, तो जिस दिन वीडियो कैमरा बन रहा होगा, रिकॉर्डिंग की जा रही होगी, उस दिन जरूर तालियां बजाएंगे। ताली बजाते कब है, जब ये कैमरा वाले भैया इधर से उधर अपने कैमरे को घुमाते हैं। अगर भैया लोगों की ओर बढ़ा तो भैया लोग ताली बजाने लगते हैं, वो माताओं की ओर बढ़ा तो माताएं ताली बजाती हैं। क्यों बजाती है, इसका कारण रहता है, माताएं सोती है और नहीं भी आ सकती है, और यहाँ आपके फोटो की आवश्यकता नहीं है, यहाँ हमारी फोटो की आवश्यकता नहीं है, आपके चित्र की और आपके फोटो की आवश्यकता कहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो लोग चित्र देखते हैं, इस कैमरे में चित्र देखा जाता है मनुष्य का, लेकिन जो ब्रह्मा जी का कैमरा है उस ये ऊपरी सुंदरता को देखता है ये कैमरा। इस कैमरे में आपकी केवल चित्र की फोटो आती है, और ब्रह्मा जी का जो कैमरा है वो आपके ऊपरी आवरण का नहीं, ऊपरी चित्र का नहीं, बल्कि आपके चरित्र का फोटो खींचता है कि आपका चरित्र कैसा है, आप किस मार्ग पर चल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इस पावन धरती पर बंधुओं दो महापुरुषों का जन्म हुआ, एक है भूस्वामी और दूसरे है गोस्वामी। गोस्वामी यानी सहज, और गोस्वामी यानी बाबा तुलसीदास जी का। एक समय की बात है, एक दिन की बात है कि सहजा दरबार में बैठा हुआ था, और सहजा ने देखा कि मेरे ना रहने के बाद मेरे धन का क्या होगा, मेरे नाम का गुणगान कौन करेगा, इस संपत्ति का क्या होगा, इस धन का क्या होगा। तो अचानक सहजा के मन में आया कि इस धन से मैं कुछ ऐसा कर्म कर दूं, ऐसा कुछ कार्य करूं जिससे हमारा नाम देश या विदेश में भी लोग जानने पहचानने लगे, मेरा नाम इतिहास के पन्नों में अंकित हो जाए। तो सहजा ने ताजमहल बनवाने का की घोषणा की। ताजमहल, किसी ने पूछा सहजा आप ताजमहल क्यों बनवा रहे हैं, तो सहजा ने कहा भैया मैं ताजमहल अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवा रहा हूं। जिस समय गोस्वामी जी महाराज ने सुना कि ये अभिमानी सहजा अपनी पत्नी की याद में ताजमहल का निर्माण करने के लिए जा रहा, तो गोस्वामी जी महाराज ने भी घोषणा कर, अरे सहजा अगर तू अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनवाने के लिए जा रहा है, तो मैं अपने परमात्मा की याद में मानस महल बनवा, मैं भी घोषणा करता हूं कि मैं मानस महल बनवा करके तैयार। दोनों इमारतों की नींव डाल दी गई, दोनों इमारतें बनना प्रारंभ हो गई, ताजमहल और मानस महल। जिस समय ताजमहल बनना प्रारंभ हुआ, सहजा ने जाकर के देखा, सहजा ने विचार किया कि विश्व का कोई ऐसा पत्थर नहीं छोड़ूंगा जो मैं अपने ताजमहल में लाकर के गड़वा ना दूं, चुनवा ना दूं। तो बाबा ने भी चुनौती दे दी, सहजा अगर तू विश्व का कोई पत्थर अछूता नहीं छोड़ेगा अपने ताजमहल में लगाने के लिए, तो मैं भी अपने मानस महल में यानी रामचरितमानस जैसे महल में ऐसा कोई बिंदु नहीं छोड़ूंगा, ऐसा कोई शब्द नहीं छोड़ूंगा जो एक एक बिंदु ला करके लिख ना दू, उसको अंकित ना कर दू, जो मानव के कलकाल में आने के जीवन में आने के काम, उसके जीवन में आने काम आएगा। दोनों इमारतें प्यारे बनकर के तैयार हो गए, ताजमहल भी बन गया और मानस महल भी बन गया। जब दोनों इमारतें बनकर खड़ी हो गई, तैयार हो गई, सहजा से कहा गया महाराज ताजमहल बनकर के तैयार हो। एक दिन सहजा ताजमहल को देखने के लिए गए, और जब सहजा ताजमहल को देखने के लिए पहुंचा, तो उसने जब अपने ताजमहल जैसे सुंदर भवन को, सुंदर बिल्डिंग को देखा सर उठा करके, तो उसे क्या लगा कि देखो अरे इतनी सुंदर दिव्य हवेली बन गई, इतना सुंदर महल बन गया है, और इस ताजमहल को जब लोग देखने के लिए आएंगे,
देश के आप देश के लोग देखने के लिए आएंगे तो ताजमहल को जब सर उठा करके देखेंगे तो आसमान दिखाई आसमान। जिस समय गोस्वामी जी ने सुना कि सहजा को अपने बिल्डिंग पर इतना अहंकार है कि सर उठा करके देखेंगे लोग तो आसमान दिखाई देगा, बाबा ने फिर ललकार दिया, सहजा एक बात नोट कर ले, अगर तुझे इस बात का गर्व है कि जब लोग हमारे ताजमहल को देखने के लिए आएंगे वो जब सर उठा करके ताजमहल को देखेंगे तो आसमान दिखाई देगा, तो नोट कर ले, तेरे ताजमहल को सर उठा करके देखने से आसमान दिखाई देगा, लेकिन जब वही लोग हमारे मानस महल को देखने के लिए आएंगे और जब हमारे मानस महल में सर झुका करके देखेंगे तो साक्षात भगवान दिखाई देगा, परमात्मा का दर्शन होगा। और उसी मानस महल की छत्र छाया में हम और आप 24 तारीख से बैठे हुए हैं और आज ये चौथा दिवस है, उसी राम कथा रूपी गंगा में गोता लगा रहे हैं लेकिन इस अमृत को लोग पान नहीं कर पाते हैं। इस अमृत को साधारण मत समझना, ये अमृत है कैसा, मैं निवेदन करता हूं आपके बीच कि हरि का नाम अमृत है, हमें पीना
बुला के देख, बुलाने वाले नहीं सिर्फ कहने वाले हैं कि ठाकुर जी नहीं आते, कन्हैया नहीं आते, शंकर भगवान नहीं आते, गजानन नहीं आते, क्योंकि विश्व किसी और को सौंप दिया मैंने, गणेश
गणेश भगवान के पास गई गणनायक वरदायक देवा आज लगही तेरी तुम शेरा हे मुक्ति विनायक हे विजावन आपसे प्रार्थना है कि धनुष के वजन को कम कर दो। गणेश जी बोले सीता अवश्य कर देता अगर ये मेरे पिताजी का ना होता। कहा क्यों? बोले आप बताओ बेटे को पिता की प्रॉपर्टी बढ़ाना चाहिए घटाना चाहिए? बेटे बाढ़ है भूत पिता की धर्म तो बेटे को पिता की प्रॉपर्टी बढ़ाना चाहिए घटाना? सीता जी बोली बढ़ाना चाहिए। बोले आप तो हमारे पिताजी की प्रॉपर्टी को तोड़वाने के लिए घटाने के लिए आई हो इसलिए नहीं हो सकता। दूसरा भाव क्यों नहीं हो सकता? बोले इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप धनुष के वजन को कम करवाने के लिए आई हो। मैं तो अपना ही वजन कम नहीं कर पा रहा हूं तो धनुष का वजन क्या कम करूं? जानकी जी बोले हे गणेश भगवान आप बाहर से देखने में जरूर इतने स्थूल हष्टपुष्ट मोटे ताजे हैं लेकिन अंदर से बड़े कोमल और सूक्ष्म हैं। कहा आपको कैसे दिख रहा है? बोले अगर आप कोमल ना होते सूक्ष्म ना होते तो आपका भार क्या छोटा सा मूषक यानी चूहा धारण कर सकता था। अब विश्वामित्र जी महाराज ने विचार किया। विश्वामित्र समय से जानी और बोले यहाँ धनुष ने कहा सीता चिंता मत करो सारे दरवाजे जब बंद हो जाते हैं तो मेरा दरवाजा खुला रहता क्योंकि मेरे ऊपर सारी प्रक्रिया है ना सारी बात मेरे ऊपर की हुई है तो बताओ मैं कितना हल्का हो जाऊं एक कुंतल का हो जाऊं। जानकी बोली बाप रे बाप एक कुंतल का वजन तो बहुत हो जाता। धनुष सीधा घटा बोले 50 किलो का हो जाता 50 किलो का वजन चल जाएगा जानकी के लिए। सीता जी बोली 50 किलो भी वजन बहुत ज्यादा है। बोले 20 किलो का? बोले 20 किलो का भी नहीं हो जाइए। धनुष बोला 5 किलो का वजन तो राम जी से बर्दाश्त हो ही जाएगा। सीता जी बोले नहीं 5 किलो का भी वजन बहुत हो जाता है। धनुष सीधा घटा बोले 50 ग्राम का बन जाओ। जानकी जी बोली 50 ग्राम भी बहुत ज्यादा होता है। बोले आधा ग्राम का? बोले आधा ग्राम का भी वजन मैं अपनी बाड़ी से नहीं कर सकती हूं। मैं अपनी बाड़ी से आधा ग्राम का भी वजन नहीं कह सकती हूँ। धनुष ने व्यंग कर दिया बोले जानकी क्या तुम्हारे दांतों में इतने कोमल हैं कि आधा ग्राम का भी वजन नहीं सह सकते हैं? इतने कोमल है। जानकी जी के नेत्र में प्रेम के आंसू। हे सौ के विशाल धनुष इस तरह तर्क वितर्क मत करो मेरे राघव के प्रति। इस तरह से तर्क वितर्क मत करो क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये तर्क वितर्क। क्यों? क्योंकि आपके राम जी इतने नाजुक हैं कि जरा सा भी भार जरा सा भी वजन बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बोले मैं इसलिए नहीं कर सकती हूँ कि आप आधा ग्राम के 50 ग्राम के 1 ग्राम के हो जाओ क्योंकि मैंने अपने स्वामी की अपने प्राणनाथ की सारी ऊर्जा सारा बल सब कुछ देख लिया था पुष्प वाले का कि वो कितना भार सह सकते हैं कितना नहीं सह सकते। बोले कब? बोले जब मेरे ठाकुर जी पुष्प लेने के लिए गए थे लगे ले दल फूल मन जो मनुष्य सिर्फ पुष्प ले तोड़ने में नहीं क्योंकि लिए है ना लगे लेन दल फूल मुदित जो पुष्प लेने मात्र में पसीने की बूंदे छोड़े भाल तिलक बृंदु सुहाए तो मैं कैसे कह दूं कि आप आधा ग्राम के हो। बोले अच्छा बताओ तो आप करना क्या होगा अब मुझे क्या करना होगा आप ही बता दीजिए। जानकी जी बोली इस तरह तर्क वितर्क मत करो जब मेरे राम जी आपके पास तोड़ने के लिए आए तो आप उनको देख लेना कि ये कितना वजन सहने के लायक है कितना भार बर्दाश्त कर सकते हैं। और जानकी जी ने क्या कहा कि हो हरा ही रघु पता ही निहारी पर जानी
चाहिए। बोले इसकी व्यवस्था मैंने 24 तारीख के पहले ही कर दी थी। ये सारी भूमिका, ये सारा आयोजन मैंने पहले बना लिया था कब कहाँ क्या होना है। बोले कहाँ भजन जाएगा? बोले उमरेट में जो यज्ञ चल रहा है, कथा चल रही है, वो जितने भक्त कथा सुनने आते हैं, जयकारा ना बोलते हो, संकीर्तन ना करते हो, सारा भजन उन्हीं लोगों के ऊपर डाल देना जाकर। मैं नहीं कह रही तो अपना की अपना धनुष का भार मेरे ऊपर बाबा की लेखनी कह रही है कि हो महाराज विश्वामित्र ने विचार किया कि बहुत तर्क वितर्क हो चुका है, अब राम को आज्ञा देना चाहिए। बोले विश्वामित्र उस समय सुबुचानी ओ बोले अति स्नेह मैवान। देखो पराप देखने के लिए माताओं की दृष्टि वहां पहुंच गई, कथा से दिमाग हटा और परात में पहुंच गया, क्योंकि कोई साधारण दूल्हा नहीं आ रहा है ना, साधारण बनना नहीं आ रहा है, ये जगत का मालिक दूल्हा बनकर के आज पारंबा मैथिली को बिहाने के लिए आ रहा है। क्योंकि जिस दूल्हे की सुंदरता, जिस दूल्हे की सहजता, जिस दूल्हे का वर्णन बड़े बड़े शेष और सरस्वती नहीं कर पाई है, आज उस दूल्हे का व्याख्यान जनकपुर की देवियां आपस में कह रही है कि मोह लगे